हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचिस हैप्पी प्लेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 यमी हेल्दी इजी टू कुक रेसिपीज फॉर टॉडलर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है पोटैटो पैनकेक्स, या आप इसे आलू का चीला भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बोल राइस लिए हैं, जिसको मैंने रात को ही अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर रख दिया था। साथ में मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धोकर पील कर लिया है, और यहाँ पर मैंने दो लहसुन की कलियाँ ली हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे प्री सोक्ड राइस, दो लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 पत्ते मिंट के, और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गार्लिक नहीं डालना है, बिकॉज काफ़ी बच्चों को गार्लिक का टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आता है। इसके बाद आलू को ग्रेट कर लेना है। मैं ग्रेटर की पतली वाली साइड यूज़ कर रही हूँ आलू को ग्रेट करने के लिए। जब आलू अच्छे से ग्रेट हो जाए, उसके बाद आलू को अपने हाथों से स्क्वीज करके उसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेना है, और एक सेपरेट बोल में इस आलू को डाल देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस का पेस्ट जो हमने ब्लेंड कर तैयार किया है। धीरे धीरे करके इसे मिक्स करेंगे। एक साथ पूरा राइस का पेस्ट नहीं डालना है, धीरे धीरे मिक्स करते रहें और कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहें, उस हिसाब से ही अपने राइस के पेस्ट को इसमें ऐड करें। राइस का पेस्ट चीले को बाइंड करने में हेल्प करेगा और हमारा आलू का चीला जो है वो टूटेगा नहीं। इसके बाद गैस पर तवा रखेंगे, उसे ग्रीस करेंगे घी से, बटर से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो, और यहाँ पर पोटैटो पैनकेक के बैटर को स्प्रेड कर लेंगे। ढक्कन देकर 3 से 4 मिनट के लिए वन साइड इसे कुक करेंगे। फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे। चीला बनाने के लिए मैंने कच्चा आलू लिया है, जिसे पकने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, और ये एकदम से क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पोटैटो पैनकेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रेसिपी। सो नेक्स्ट रेसिपी है बनाना पैनकेक्स। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर लिया है। अब हम इसमें दूध डालकर एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने। इसको बनाते वक्त एक साथ बहुत सारा दूध हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने। तो आप देख सकते हो इस कंसिस्टेंसी का मैंने यहाँ पर बैटर रेडी कर लिया है। अब वन बनाना लेंगे, इसको पील करके अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अब हम इस मैश्ड बनाना को अपने बैटर में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें जैगरी पाउडर भी ऐड करेंगे, बिकॉज इस बनाना से बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं आती है, तो थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मैंने इसमें ग्रेट करके आमंड्स ऐड किए हैं, इससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। 5 मिनट्स के लिए मैं बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने पैनकेक्स बना लेती हूँ। आफ्टर 5 मिनट्स गैस पर तवा रखकर इसको अच्छे से ग्रीस करके मैं इसमें पैनकेक्स का बैटर स्प्रेड कर देती हूँ, और कवर करके मैं इसे लो फ्लेम पर ही कुक करती हूँ, बिकॉज हमने इसमें जैगरी ऐड की है। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल कुक ना करें, वो एकदम से बर्न हो जाएंगे। फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, और हमारे यहाँ पर यमी बनाना पैनकेक्स बनकर रेडी हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड रेसिपी। सो थर्ड रेसिपी इज बीटरूट कैरेट परांठास।
इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बीटरूट लिया है, इसे अच्छे से धोकर मैंने पील कर लिया है। पील करने के बाद मैंने इसे चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसे हम ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से ब्लेंड करके प्यूरी रेडी कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लार लिया है, उसमें मैंने एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पर साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अजवाइन, जिसको मैंने हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। साथ में मैंने 1 कैरेट को अच्छे से धोकर पील करके ग्रेट करके ऐड कर दिया है, और जो बीट रूट की प्योरे हमने जो बनाई थी वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर डो रेडी कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं डो लगाने के लिए। और यहाँ पर ये एकदम से सॉफ्ट बीटरूट के परांठे का डो बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें पनीर या कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। बच्चों को बीटरूट का टेस्ट यूजली अच्छा नहीं लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से उनको बीटरूट खिलाओगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। मेरा 16 मंथ ओल्ड बेबी इन सारी रेसिपीज़ को बहुत प्यार से खाता है। आई होप सेम वे आपके बेबीज़ भी इन सारी रेसिपीज़ को इंजॉय करेंगे। 5 मिनट्स के लिए डो को हम रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम अपने परांठास यहाँ पर रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद घी या बटर लगाकर तवे पर इनको अच्छे से सेक लें और थोड़ा सा ठंडा करके अपने बेबीज को सर्व करें। माई किड्स लव दीज परांठास विद कर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके बेबीज़ को ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी। अगर आपके बेबीज़ को ये रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।